हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डिफाइंड इंजीनियरिंग आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। एरर हैंडलिंग या फिर जिसे हम कहते हैं एक तरीके से हमारा जो फीडबैक मैसेजिंग है उसके तो सारे हमने टाइप देख लिए, अब हम लोग आ रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई के टाइप्स पे। यानी आईसीएमपी को जब हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई के तौर पे यूज करेंगे तो कई सारे टाइप्स हैं वहां पे, कई सारे सिचुएशन सिनेरियोज हैं जहां पे हम आईसीएमपी पैकेट को यूज कर सकते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आसान भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करूं इनका मीनिंग। इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का मतलब क्या है? सी, लेट्स कंसिडर हेयर, जो आपका यहाँ पे सोर्स है, बीच में एक राउटर है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है कुछ इस तरीके से। अब आपके सोर्स और डेस्टिनेशन में जो होस्ट है उनमें सारे नेटवर्क प्लेयर प्रेजेंट होंगे, मतलब फिजिकल लेयर भी होगा, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, बराबर। राउटर पे क्या होता है, जो आपके इंटरमीडिएट नोड राउटर होते हैं वहां पे तीन लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक फिजिकल लेयर होगा, आपका डीएलएल लेयर होगा और नेटवर्क लेयर होगा, बराबर। इतना सिचुएशन है, इतना बेसिक है। अब ये इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई कहां से जाता है, नेटवर्क लेयर से इनिशिएट होता है। ये एक आईसीएमपी पैकेट, एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट, ओके, वो जनरेट होती है आपके सेंडर के नेटवर्क लेयर से, यहां से वो चलती है, यहां से शुरू करती है, ये पर्टिकुलर पाथ वो चूज करती है, इस नेटवर्क लेयर से गुजरती है राउटर के, फिर यहां पे जाती है और डेस्टिनेशन के नेटवर्क लेयर पे रुक जाती है। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट ट्रेवल्स। ये जो आपका रिक्वेस्ट है एक तरीके से, इको रिक्वेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से जाता है, दिस इज द आईसीएमपी, आईसीएमपी रिक्वेस्ट, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और फिर यहां डेस्टिनेशन भी आपको आईसीएमपी के टर्म्स में ही रिप्लाई भी भेजता है, वो कुछ इस तरीके से रिप्लाई भेजता है, वो भी कुछ ऐसे ही ट्रैवल करता है, आपके राउटर के नेटवर्क लेयर से ट्रैवल करता है और फिर आपके सेंडर तक वो नेटवर्क लेयर तक पहुंचता है। एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर तक का कोई संबंध ही नहीं होता वहां पे, सिर्फ नेटवर्क लेयर के साथ वो यहां पे डील करने की कोशिश करता है बेसिकली। लेकिन ये जो इको रिक्वेस्ट और ये जो रिप्लाई आया, इसका मतलब क्या था, इसका तात्पर्य क्या था, इसे हमने क्यों यूज किया, इसका सिंपल सा बेसिक सा हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं एक तरीके से कि हमें पता लगाना है, सेंटर साइड पे बैठे बैठे हमें पता लगाना है कि ये जो डेस्टिनेशन है वो एक्टिव है या नहीं, ये स्टेशन जो है, ये होस्ट जो है डेस्टिनेशन, ये एक तरीके से एक्टिव है या नहीं, क्या ये डाउन चला गया है। अगर ये डाउन गया होता तो यहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, बराबर है कि नहीं। तो हम सिर्फ यहां ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे वो एक्टिव है या डाउन चला गया है। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर रहे हैं कि जितने भी मेरे, अभी तो यहां पे एक राउटर दिखा है, यहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं, बराबर। तो वो जो राउटर है, वो जो पाथ है जिसके ऊपर ये सारे राउटर्स हैं, इनका जो नेटवर्क लेयर है ये वर्किंग है या नहीं, ये भी पता करने के लिए हम लोग यहां पे एक तरीके से जो है वो इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई मैंने आपको पूरी पाथ वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि आपको पता चले कि इट इज क्रॉसिंग थ्रू दिस नेटवर्क लेयर। तो यहां पे अगर ये नेटवर्क लेयर आपका राउटर का वर्क कर रहा होगा तो ही वो रिप्लाई आपका इस पर्टिकुलर सेंडर तक या सोर्स तक पहुंचेगा। अगर वो पहुंच जाता है सोर्स तक तो वो समझ जाएगा सब कुछ फर्स्ट क्लास है, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया है, ओके। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं पहुंचता तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, एक तो आपका ये डाउन हो रखा है या फिर यहाँ पे नेटवर्क लेयर वर्क नहीं कर रहा आपके राउटर का। आई होप यू आर गेटिंग द बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सेकंड वाले पॉइंट को समझते हैं, राउटर सॉलिसिटेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, पूरा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स कंसिडर यार, यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, मानता हूँ ड्रॉइंग स्किल्स मेरी बहुत एक्सीलेंट है, नेटवर्क ऐसा है, ठीक है। तो ये नेटवर्क के अंदर यहाँ पे यार एक मेरा होस्ट है, ए बैठा हुआ है। अब इसके पास सारी बुनियादी जरूरतें हैं, आईपी पता है इसको, अपना मैक एड्रेस पता है, सब कुछ सेट है बंदा एकदम, मतलब फिगर नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज उसको जाननी है, एक चीज उसको जाननी है, वो ये है कि कौन से ऐसे राउटर्स हैं जो कि मेरे उस रिस्पेक्टिव नेटवर्क से कनेक्टेड है। एक बार वो जान लूं उसके बाद वो क्या करने वाला है, उनमें से एक पर्टिकुलर राउटर को चूज करेगा एज इट्स डिफॉल्ट राउटर, ये काम करना है उसको, ठीक है। अब नसीब भी ऐसा है अपना कि भैया यहां पे एक ही राउटर प्रेजेंट है, मान लो एक ही राउटर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है होस्ट ए जो है, ये एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है जो कि राउटर सुन लेता है। और जब ये राउटर सुन लेता है जो कि आपके उस नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसके अंदर आपका होस्ट है प्रेजेंट है, वो क्या करता है, एक रिप्लाई देता है, एक तरीके से एक रिप्लाई देता है, रिप्लाई देगा ना, और रिप्लाई देके बताता है कि हाँ भाई हम हैं यहाँ पे, हम हैं वो राउटर जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो फिर ये क्या करता है होस्ट है, एक बार उसको पता चल गया कि हाँ ये राउटर है जो कि इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो उसे सिलेक्ट कर लेता है एज द डिफॉल्ट राउटर। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। एक और टर्म होती है
जिसे हम कहते हैं राउटर एडवर्टाइजिंग। ओके, राउटर एडवर्टाइजिंग, राउटर एडवर्टाइजमेंट। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, सिनारियो में, यहां पे होस्ट ए जो है वो पूछ रहा है, इट इज आस्किंग फॉर कि आर देर एनी राउटर्स अवेलेबल विच आर कनेक्टेड टू माई नेटवर्क सो दैट आई कैन सिलेक्ट वन ऑफ देम एज माई डिफॉल्ट राउटर। बराबर है, एडवर्टाइजमेंट में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट में क्या हो रहा है कि मान लो यहां पे एक मेरा राउटर है जो अभी अभी जस्ट कनेक्ट हुआ है, नया नया है राउटर अपना, तो वो राउटर क्या कर रहा है, वो खुद को एक तरीके से एडवर्टाइज करने के लिए आईसीएमपी यूज कर रहा है, खुद को एडवर्टाइज करने के लिए आईसीएमपी यूज कर रहा है एक तरीके से। और जितने भी यहां पे होस्ट होंगे आपके उस नेटवर्क में, उनको एक तरीके से पता लगेगा कि अच्छा यहां पे आपका एक राउटर है जो नया नया यहां पे अपने नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है, तो अगर किसी भी होस्ट को अगर ऑब्वियसली कुछ डेटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन कुछ करना है, सो अभी इस राउटर को हम लोग एक तरीके से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। तो यहां पे हम लोग पूछ नहीं रहे, यहां पे वो बता रहा है, यहां पे हम पूछ रहे, यहां पे वो बता रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहां पे वो अपने आप को एक तरीके से एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे एडवर्टाइज करना पड़ता है कि नहीं, तब जाके लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। वैसे ही यहां पे ये भी आपका एक प्रोडक्ट है, इसे भी एडवर्टाइज किया जा रहा है आईसीएमपी के थ्रू। सारे के सारे जो आपके होस्ट है नेटवर्क को पता चलेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज होगा, सिंपल एज दैट। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।